दिनांक 2 मार्च 2023 को थाना राजपार्क में एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता मोहम्मद मुश्ताक पुत्र मोहम्मद साहिद आयु 29 वर्ष ने कहा कि वह अपने सहयोगी मोहम्मद जैद पुत्र मोहम्मद कलीम के साथ व्यापारिक उद्देश्य से सुल्तानपुर माजरा की एक फैक्ट्री में आया। काम के बाद जब वे सुल्तानपुर माजरा सुल्तानपुरी दिल्ली से बैटरी रिक्शा में वापस जा रहे थे, जिसमें दो अन्य व्यक्ति भी बैठे थे और रोड नंबर 316 सब्जी मंडी के पास पेट्रोल पंप फेज 1 मंगोलपुरी दिल्ली पहुंचे। बैटरी रिक्शा में मौजूद दो लोगों ने चाकू निकाल लिया और उनमें से एक ने उसे शिकायतकर्ता के पेट पर रख दिया और दूसरे व्यक्ति ने बैटरी रिक्शा लगाने के लिए ड्राइवर पर चाकू रख दिया। इसी दौरान दोनों लोगों ने 16,000 रुपए की नकदी लूट ली और शिकायतकर्ता के का मोबाइल फोन भी लूट लिया और वे मौके से फरार हो गए। नतीजतन पीएस राजपार्क में प्राथमिकी संख्या 161-23 यूएस 392-34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक समर्पित टीम जिसमें हेड कांस्टेबल दानवीर, हेड कांस्टेबल कपिल और कांस्टेबल शामिल है, ललित कुमार एसएचओ राजपार्क और निगरानी में एसीपी सुल्तानपुरी का गठन किया गया और जांच की गई। जांच के दौरान टीम ने गुप्त मुखबिरों को तैनात किया और आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कई सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया। एकत्र की गई जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपी हरीश पुत्र भगवान दास और राहुल पुत्र राजकुमार की पहचान कर गिरफ्तार किया गया। दो चाकू मारकर रुपए की नकदी लूट ली। आरोपी व्यक्तियों ने कब्जे से 4200 और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। निरंतर पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे नशे के आदी हैं और इसी तरह के कई अन्य अपराधों में शामिल रहे हैं। आरोपी राहुल थाने सुल्तानपुरी का बीसी भी पाया गया। इनके कब्जे से लूट का माल भी बरामद कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।